Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do unit number 4, Fall of the Hills. Hey Abu Mia, looking sad. Why are you sitting alone today? Where is your darling Kalua? Govinda was worried. Perhaps I have lost her. I have seen her footprints going up the hill. That devil must have killed her. तो जो गोविंद है वो अबू मियाँ का फ्रेंड है, तो वो बहुत ही चिंता में है और वो अबू मियाँ से कहता है कि अबू मियाँ, आप क्यों इतने उदास लग रहे हो और क्यों आज आप अकेले बैठे हो? सिटिंग अलोन अलोन मतलब अकेले बैठना. वेर इज़ योर डार्लिंग कलुआ, आपका जो प्यारा कलुआ क्या है? अब कलुआ कौन है? ये अबू मियाँ है और उनकी बकरी, जो उनकी बकरी थी ना, उनका नाम था कलुआ. उनको अपने जो पेट था, जो बकरी थी, उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव था. तो वो जो गोविंदा है वो अबू मियाँ से उनकी बकरी के बारे में पूछ रहा है. तो अबू मियाँ कहते हैं, पर है आई हैव लॉस्ट हर, मैंने उसे खो दिया. आई हैव सीन हर फुटप्रिंट्स गोइंग अप द हिल, मैंने उसके पैर के निशान हिल पर, हिल मतलब पहाड़ पर जाते हुए देखे. दैट डेविन मस्ट हैव किल्ड हर, और वो शैतान ने उसे मार दिया होगा. किल्ड मतलब मार देना. पुअर अबू खान वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. He could not understand why Kalua broke the string and disappeared in the night. He used to give her green juicy grass and tasty grains, but even then his only family member has left his house. जो बेचारा अबू खान था वो आंसू से रो रहा था. He could not understand why Kalua broke the string, और वो ये जान नहीं पा रहा था कि जो कलुआ उनकी जो बकरी है, उन्होंने अपना जो गले का पट्टा है वो तोड़ के सर लिया और वहाँ से रातों रात वो गायब हो गए. अबू खान उसको खाने के लिए भी अच्छा देता था, ग्रीन मतलब हरे जूसी ग्रास, हरे घास भी देता था और ग्रेन मतलब चने भी देता था उसको. बट इवन देन हिज ओनली फैमिली मेम्बर हैज़ लेफ्ट हिज हाउस, और फिर भी उसके पास जो उसका फैमिली में वो जो जिसको एक फैमिली मानता था वो घर छोड़कर चली गई. आफ्टर सम डेज अबू मियाँ बॉट अनदर गोट. थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज का मतलब है थोड़े दिनों के बाद अबू मियाँ ने एक दूसरी बकरी खरीदी. बॉट मतलब खरीदना. दिस न्यू वन वॉज प्रिटी, वाइट एज स्नो, हैड टू लिटिल हॉर्न्स एंड अ पेयर ऑफ लवली ब्राइट रेड आइज. तो ये वाली जो बकरी थी ना वो बहुत ही सुंदर थी और पूरी सफ़ेद भरी हुई थी, और उसके दो सींग थे और जो उसकी आंखें थी वो लाल कलर की बहुत ही चमकती हुई आंखें थी. आई विल कॉल यू चांदनी, कैरेसिंग हर सॉफ्ट फर ही सेड. तो उसके उस पे हाथ लगा के वो बोलते हैं, अबू मियाँ बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज से चांदनी नाम से पुकारूँगा. वन फाइन मॉर्निंग हिज नेबर गोविंदा अपियर्ड. तो एक सुबह को उनका जो नेबर था, उनका जो फ्रेंड था, नेबर मतलब पड़ोसी, उनका पड़ोसी था वो गोविंदा जिसका नाम था, वो आया. ही सो अबू मियाँ टॉकिंग टू हिज ओनली फैमिली मेम्बर. हे अबू चाचा, यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी, हाउज लाइफ नाउ. तो वो कहता है कि उसने जो अबू मियाँ थे उनकी बकरी जो थी, जिसका नाम अब जो बकरी लाए थे वो, उनका नाम था चांदनी, तो उससे बात कर रहे थे और उन गोविंदा ने ये कहा कि अबू चाचा, आप तो अब बहुत ही खुश और मज़ेदार लग रहे हो. अब आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा, चांदनी हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी, शी लव्स मी अलॉट एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर. तो अबू मियाँ कहते हैं कि मैं बहुत ही खुशमंद इंसान हूँ, गोविंदा चांदनी ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, अबू चाचा कह रहे थे. बट वॉट वेर यू टेलिंग हर, आई सॉ यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग. सो गोविंदा कहते हैं, लेकिन आप उसे क्या बोल रहे थे? मैंने आपको उसे बात करते देखा. ओह यस, I was telling her the story of Kalua Saden at the bloodthirsty teeth of that devil on the hill. अरे हाँ, तो ये अबू मियाँ आप क्या कहते हैं, जवाब देते हैं गोविंदा की बात का, कि अरे हाँ, मैं उसे
वो कहानी सुना रहा था जब मेरा पहला जो कलुआ था, इससे पहले जो मेरी बकरी थी जो कलुआ था, उसकी मौत कैसे हुई कि वहाँ पर पहाड़ की चोटी पे एक जो शैतान रहता है उसने उसका खून पी लिया। अबू मियाँ रिप्लाइड, अबू मियाँ ने ये कहा, बट माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी, और ये भी कहा कि लेकिन मेरी जो प्यारी चांदनी है वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विथ मी, बहुत ही समझदार है और मेरे साथ वो खुश है। ये सब कौन बोल रहा है? अबू मियाँ बोल रहे हैं। गोविंदा सेठ, अबू चाचा, आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस, आई एम श्योर चांदनी विल अकंपनी यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो गोविंदा फिर बोलते हैं कि अबू चाचा, मैं आपको ऐसे देखकर बहुत ही खुश हूँ, मुझे ये पता है कि चांदनी आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी। सम ईयर्स पास्ट, थोड़े साल बीत गए, चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल, अब चांदनी को भी पहाड़ की चोटी पर जाना अच्छा लगता था। एवरी मॉर्निंग शी वॉच द हिल टॉप शाइनिंग इन द टेंडर सनलाइट, रोज सुबह वो अपने घर की खिड़की में से वो जो हिल थी, वो जो पहाड़ था, वहाँ की जो सनलाइट थी वो देखकर बहुत ही अट्रैक्ट होती थी, आकर्षित होती थी। हाउ ब्यूटीफुल दिस हिल्स आर, तो कहती थी वो कितने सुंदर हिल्स है, पहाड़ है। शी थॉट एंड हाउ रिफ्रेशिंग इज द ब्रीज दैट ब्लोस थ्रू दैम, और उसकी हवा भी कितनी ताज़ी लग रही है। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट स्टॉप्ड विद अ जर्क, देयर वॉज अ रोप अराउंड हर नेक, शी हेटेड इट द मोस्ट। तो वो वहाँ पर जा रही थी तो उसके गले के आगर किसी ने रोप, मतलब रस्सी फेंकी, और जो उसको बहुत पसंद नहीं थी वो चीज़ हुई। ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स, और उससे क्या हुआ कि, और वो कौन था, वो अबू मियाँ ने उसको वहाँ जाने से रोका था। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि चांदनी जो थी, जो गोट थी, जो बकरी थी, उसने घास खाना और खाना खाना भी छोड़ दिया। इवन शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन अबू खान स्टोरीज, और जो अबू खान जो उसको कहानियाँ सुनाते थे उसमें भी उसको दिलचस्पी नहीं रही। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रू वेरी थिन, तो वो भूख के मारे पतली हो गई। शी स्टार्टेड मूडलेसली एट द हिल्स, बेदिंग इन द सनलाइट और प्लेइंग विद द क्लाउड्स, तो वो एक धार से, एक टकटकी से जो हिल्स है, पहाड़ है, वहाँ पर देख ही रही थी और वहाँ पर जाने का उसको मन भी हो रहा था। अबू खान कुड सेंस व्हाट वाज हैपनिंग टू हिज डियर चांदनी, अब अबू खान को ऐसा लगा कि कुछ तो चांदनी को हो रहा है। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, तो उसने एक छोटी सी झोपड़ी में उसको ले गए और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया। बट फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन उन पीछे जो खिड़की थी वो बंद करना वो भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम, और उसी रात चांदनी को उस जो खिड़की थी वहाँ से आज़ादी मिलने का मौका मिला। व्हेन चांदनी रीच द हिल टॉप, जब चांदनी अब हिल पर जा रही थी, द बिग येलो सन वॉज राइजिंग इन द हॉरिजोन, तो वहाँ पर जो बड़ा सा सूरज था वो उग रहा था। शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड वंडर, वो बहुत ही खुश थी और मज़े कर रही थी। द ग्रीन ग्रास अंडर हर फीट बिकम गोल्डन येलो, तो उसके पैर के नीचे जो ग्रीन ग्रास थी, हरी ग्रास थी, अब वो पीली हो चुकी थी। द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवाएं थी इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी कि उसमें गाना बज रहा था। चांदनी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग हर मदर आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, चांदनी को ऐसा लगा कि इतने साल की जुदाई के बाद वो अपनी मदर से, अपनी माँ से फिर से मिल रही हो। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम अबू खान प्रिजन हाउस, और ये सब वो अबू खान का जो जेल था, प्रिजन मतलब जेल था, जेल जैसा घर था, उससे वो अलग लग रहा था उसको और अच्छा लग रहा था। That day she jumped and played and ate all around, और उस दिन वो पूरी पहाड़ की चोटी पर वो कूदी, नाची और खेली और उसने खाना भी खाया।
दिखाया. शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ. और वो दिन चांदनी की जिंदगी का बहुत ही खुशकिस्मत दिन था. द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स. अब जब रात होने लगी, शाम होने लगी, तो सूरज है वो पहाड़ के पीछे ढलने लगा, उतरने लगा. सून द डार्कनेस कवर्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज. और धीरे धीरे वहाँ पर जो ग्रास थी, जो ट्रीज थे, जार थे, पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पर अंधेरा छाने लगा. द विंड स्टॉप ब्लोइंग. हवाएं भी रुक गए. देयर वर स्टिलनेस और ऑल अराउंड. और वहाँ पर स्टिलनेस मतलब वहाँ पर सन्नाटा सा छा गया. एंड आउल हूटेड फ्रॉम अ होल. और वहाँ पर जो होल था, वहाँ पर जो आउल था, उल था, तो वहाँ उल की आवाज़ आने लगी. चांदनी फेल्ट स्कैट. अब चांदनी को डर लगने लगा. द फुल मून रोज इन द डिस्टेंस स्काई. इन इट्स सिल्वर लाइट चांदनी सॉ टू ब्राइट आइज एंड शार्प तीर. तो जब चांद वहाँ पर उग रहा था, मतलब चांद उसको दिख रहा था, वहीं पर उसको दो सिल्वर लाइट भी दिखी. किसको? चांदनी को. दो सिल्वर लाइट, दो आँखें और एक शार्प टीथ, मतलब एक दांत, नोकीले दांत दिखने लगे. मूविंग स्लोली टूवर्ड्स अर्थ. और वो चीज़ उसके पास धीरे धीरे आ रही थी. द डेविल वॉज नॉट इन अ हरी. और वो जो शैतान था वो जल्दी में नहीं था, वो धीरे धीरे आ रहा था. ही न्यू दैट गॉड वॉज ऑल्सो हिज फूड. तो उसको पता था कि ये जो बकरी है वो मेरा खाना बनने वाली है. वो डेविल कौन था? वो फॉक्स था, भेड़िया था. द वुल्फ एंड द गोट स्ट्रक देयर हेड्स विद ईच अदर. अब जो वुल्फ था और गोट था, उसने अपने माथा एक दूसरे पर लगाया. ही वॉज बिग एंड फेरेशियस वेयर शी वॉज स्मॉल बट नॉट वीक. वो एकदम बड़ा था और जानदार था, जबकि जो चांदनी थी वो कमज़ोर तो थी लेकिन बहादुर भी थी. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स एम एट द डेविल. तो चांदनी ज़मीन पर टट्टर खड़ी रही, अपने पैर रखकर. उसका जो सर था वो बेंट था और उसके जो सींग थे वो जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसके सर पर लगते हुए खड़ी थी. शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ क्रूअल एनिमी. तो वो ऐसी लग रही थी, वो बहुत ही बहादुर सोल्जर है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है दुश्मन के सामने. द फाइट बिगन. अब जो है वो फाइट है, जो लड़ाई है वो चालू होती है. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. पूरी रात वो लड़ाई चलती है. द मून बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिट बिहाइंड ऑफ द सन. सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो जो मून था, जो चांद था, वो भी अब फीका पड़ने लगा और वो पहाड़ के पीछे छुप गया. जो स्टार्स थे, जो तारे थे, वो भी एक के बाद एक गायब होने लगे. द फेंट लाइट अपियर इन द ईस्ट. और ईस्ट से एक रोशनी की किरण आती है. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. और जब पहली किरण सूरज की पड़ती है तो चांदनी क्या दिखता है? कि चांदनी ज़मीन पर घायल पड़ी है. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड. वो खून से लथपथ थी. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. और जो द वुल्फ था, भेड़िया था, वो भी थक चुका था और वो नींद में था, लेकिन वो चांदनी को खाने के लिए अब तैयार था. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फ्लाइट. और वहाँ पर जो पेड़ पर बर्ड्स मतलब पक्षी बैठे थे, तो वो ये जो फाइट थी, जो लड़ाई थी, वो पूरी देख रहे थे. सो हु इज द विनर आस्क अ स्मॉल वन. तो उनमें वो बातचीत हुई कि अब कौन जीता. एक छोटे से बर्ड ने, पक्षी ने ये वो पूछा कि अब कौन जीता. द वुल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अदर डिक्लेयर्ड टुगेदर. और सब ने ये कहा कि भेड़िया जीता. ये तो मालूम है, जाहिर सी बात है कि भेड़िया जीता. लेकिन नो सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. तो एक वहाँ पर होशियार पुराना पक्षी था, तो उसने बोला नहीं, चांदनी इज़ द विनर, चांदनी जीती है. आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर. मैंने आज तक इतना बहादुर लड़ने वाला कभी देखा नहीं है.